मध्य प्रदेश के मनावर में धारा 144 के उल्लंघन में नामजद 35 लोगों व करीब 1200 महिला पुरुषों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने धारा 188 में मामला दर्ज किया है। कल मनावर में मुस्लिम समुदाय व जय भीम संगठन द्वारा एनआरसी और सीएए के विरोध में बिना परमिशन के जुलूस निकालने और नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रशासन ने बताया कि धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट द्वारा 19 दिसंबर 2019 को धारा 144 के तहत रैली जुलूस प्रदर्शित आदि पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मगर प्रदर्शनकारी नहीं माने और जुलूस निकाला, जिसको लेकर आज मनावर पुलिस ने आज इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। सर नाम बता दें किस पद पर? मैं थाना मनावर पर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा नाम एसएल पाटीदार है। कल मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकाला गया जो बिना अनुमति के निकाला गया था। जिले में धारा 144 श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा लगाई गई है, उसका उल्लंघन उन्होंने किया था। इस संबंध में मुस्लिम समाज के लोगों के विरुद्ध करीब 35 लोगों के नामजद धारा 188 में एफआईआर दायर की है और अन्य लोग जिनके नाम फुटेज लेकर सम्मिलित किए जाएंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।